हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DGCA अपडेट्स। आज का जो हमारा अपडेट है ये बेसिकली जेट एयरवेज के रिजर्वेशन को लेकर है। जैसे कि अभी जेट एयरवेज के न्यू CEO संजीव कपूर ने अभी लेटेस्ट ट्वीट किया था। उन्होंने 25th एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दी थी। फिर उसके बाद जेट एयरवेज की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो खाली हायर करेंगे फीमेल क्रू मेंबर्स को। जैसे कि उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिस एयरलाइन वोंट हायर मेल केबिन क्रू इनिशियली बिकॉज इट वांट्स टू सेव मनी ऑन होटल रूम्स फर्दर। और उन्होंने लिखा हुआ है कि द रिजरेक्टेड वर्जन ऑफ इंडियन जेट एयरवेज वोंट हायर मेल फ्लाइट अटेंडेंस व्हेन इट रीस्टार्ट्स ऑपरेशन बिकॉज इट वांट टू सेव मनी ऑन होटल कॉस्ट फॉर क्रू ऑन ओवरनाइट लेओवर्स। Under the airline's plan, flight attendants will share hotel rooms as a part of extreme cost-saving measures. Hiring both male and female crew would run the risk that the airline might have to spend extra money for individual rooms. Jet Airways went out of business under a pile of debt in 2019, but investors are hoping to resurrect what was a popular and well-regarded airline with a new hybrid model. The new chief executive Sanjeev Kapoor said on the Tuesday that male cabin crew would only be hired once the airline reached a certain operational scale in order to optimize hotel cost. When someone questioned about how not hiring male crew would help save hotel cost, Kapoor admitted that flight attendants will be exempted to share rooms. A similar cost-cutting scheme was dreamt up by the Air India in 2018, but the measure remains the exception rather than the norms at other international airlines. Jet Airways reportedly plans to compete in India's ultra-competitive aviation market by offering a hybrid model with a full-service business class cabin up the front of the plane, but a low-cost offering with buy on-board food and drink in economy. The airline hopes to secure a flying permit within a week and then begins operation as early as July. Jet Airways will make history as the first ever airline resurrection in history. Kapoor says he was previously chief operating officer at Tata-backed Vistara, where men were excluded from becoming cabin crew until 2018. Kapoor says Vistara always planned to hire male cabin crew but waited until the airline reached a certain size. ओके, अब आफ्टर डेट इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स, कुछ रिव्यूज़ जो लोगों ने कमेंट किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो कमेंट्स में लोग कहते हैं कि सो यू कैन स्टॉप फ्लाइंग सो डोंट गिव सैलरी ऑल्सो, और तुम फ्लाइंग बंद कर सकते हो तो सैलरी भी मत दो, ऐसा बोल रहे हैं। और इट कुड हायर ऑल मेल क्रूज, लड़के तो ट्रिपल शेयरिंग में भी रह लेंगे। ये थोड़ा सा हंसी मजाक में निकाल दिया इन्होंने। ओके फाइन सर, व्हाट अबाउट ग्राउंड स्टाफ? देखो, यहाँ ग्राउंड स्टाफ के बारे में बार बार सवाल पूछे लेकिन कोई ने उनको ग्राउंड स्टाफ के बारे में इसमें अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। ग्राउंड स्टाफ में जैसे अपने टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हो गए हैं, उन सब के बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है, अभी कोई भी ट्वीट नहीं आया है। तो उनके लिए अभी जो टेक्नीशियंस इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी बीच में एक हायरिंग तो आया था, बट अगर जो उनका कोई रिस्पॉन्स आया है तो अच्छी बात है, बट अभी कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया है। और करप्शन कंट्री इंडिया, ये ट्वीट कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस एंड इंडिया आर सो कॉल्ड रूल्स, इससे अच्छा तो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। हाँ, इंटरनेशनल एयरलाइंस अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन एयरलाइंस पे तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस कैन फ्यूल ऑल्सो एंड फीमेल विल वेट लेस देन द मेल, गुड वन। ये तो बहुत अच्छी बात है, फीमेल ऑफकोर्स मेल से लेस वे करती हैं। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये बात तो सच कह दिया, लड़कों के साथ हमेशा ना इंसाफी होती आई है और हमेशा होता रहा है। जेट एयरवेज भी यही करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ एक भाई ने अपना एक दुख भरी कहानी लिखी है कि उन्होंने 25 साल के जो हो गए थे तब उन्होंने अप्लाई किया था। ओके, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जब उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो एयरलाइंस ही बंद हो गई। ओके, अब क्या ही बोले, शेम ऑन यू, हाउ कैन आई अप्लाई इन इंडियन जेट एयरवेज, यही सब क्वेश्चन है सबके हैं। तो ऐसा धीरज रखो, पेशेंस बनाए रखो, सबका हो जाएगा। जेट एयरवेज चालू होने तो भगवान से यही दुआ है। हरी बोल।